दोस्तों टाटा की 37, 18, 14 जक्की गाड़ी है, लोड गाड़ी है, 30 टन माल है और एक गाड़ी आई है पंजाब के राजपुरा से और अपने सब्सक्राइबर ही हैं और इनको किसने बताया हमने मतलब गाड़ी की अभी 5-4 दिन पहले दोस्तों मैंने वीडियो डाली थी उसकी भी अगली मतलब 14 जक्की की लाइन मैंने करी तो मतलब उसके टायर उनको सही होते दिख रहे हैं तो उन्होंने मेरा नंबर दिया तो ये मेरे पास पहुँचे हैं। तो दोस्तों काफ़ी सारे इनके टायर मतलब इन्होंने अपने हिसाब से, देखो हर ड्राइवर को पता नहीं होता कि टायर आगे पीछे लगाने हैं, अंदर बाहर लगाने कैसे लगाने हैं, तो उस चीज को देखते हुए मतलब ये गाड़ी मेरे पास लेकर आए हैं। मतलब 4-5 दिन पहले इन्होंने मुझे कॉल की थी तो मैंने इन्हें आज का टाइम दिया था, गाड़ी आई है मेरे पास और इन्होंने मतलब टायर तो दोस्तों लगा रखे हैं, कुछ सही लग रहे हैं, कुछ बहुत ही मतलब गलत लग रहे हैं। तो अभी ड्राइवर साहब से भी पूछेंगे भी क्या दिक्कत है। टायर ये देखिए, ये बाहर के टायर खा रखा है और अगले टायरों की ज्यादा इन्हें प्रॉब्लम है। तो चलिए आइए ड्राइवर साहब से बात करते हैं पहले। हाँ जी, की हाल है जी? और ठीक ठाक, आगे से टाइम नहीं, रात ही आए, सवेरे आए, सवेरे आए, आ जाओ आप टायर देख लिए। फिर पंजाब केड़ी जगह आप? राजपुरा। ठीक है ठीक है, इधर ईगल मोटल होटल है ना? आह टायर कहने हो? हाँ जी भाई। कदों लगे लगे तो वाह चढ़ते लगते हैं। हाँ भाई, कराई नहीं लड़ने पर हुए नहीं। कराई नहीं करे? कितना चेर हो गया? कई महीने? 6 महीने। 6 महीने थोड़ा भला हो जाए फिर कदे साइड पलटी है तो उधर भी नहीं कराए? पलटी कराए यार। कितना चेर पहला? वही गए 2-3 दिन कराते भाई। नहीं नहीं, ये पता नहीं ना हुण ਤੁਸੀਂ ਖਾਂਦੀ ਜਾਂਦਾ ਭਾਜੀ ਅੰਦਰਲੀ ਸਾਈਡ ਹੀ ਆ ਤਾਂ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਪਾਸਾ ਉਹਦਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਖਾਂਦੀ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ? ਅੰਦਰ ਖਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਪਰਲੀ ਗੱਡੀ। ਮਾਡਲ ਕਿਹੜਾ ਗੱਡੀ? ਇਹ 20 ਮਾਡਲ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਹੀ ਹੈ। हाँ तो टायर थोड़ा बहुत ठीक है। अच्छा, हाँ जरा टायर थोड़ा, ये टायर डाउन चलिया हुआ कोई भी एक अद्धे जी पेंचर होया हो या अंदर वाले या बाहरले? हाँ जी होया सी। नहीं नहीं नहीं, डाउन नहीं चलिया है। नहीं नहीं, ये पेंचर होया हो? पेंचर होया नहीं, अजे लगा नहीं पेंचर, क्योंकि साइड पलटी हुई भी एक टायर दी। एंडी कीती भाजी, ये परली साइड ही इधरली साइड ले के लाए है। पेंचर कोई नहीं है इन्नू भाई। अच्छा, एलिमेंट गलत खान दी टायर में इधरो लाग उधर गया। अच्छा, इधर ते उधर कीते है? पहला अंदर ही है। अच्छा, हां जी। ये थोनू इतों तक नहीं दसिया? अच्छा अच्छा, हाँ नहीं नहीं नहीं, वो ड्राइवर जो मैं गड्डी करके भेजी है। लोकेशन भेजता मैं उत्ते आ गया। हाँ नहीं, लोकेशन का कोई चक्कर नहीं, लेकिन जेड़ा वो गड्डी करके भेजी ना, वो कहंदा जी मैनू फोन आए, कहंदा जी टायर बिल्कुल ठीक है अपने, टायर हुण ठीक है, लेकिन मैं दसिया उन्होंने, मैं एक फ्रंट एक्सल ये करने पैने। चल ला लो कोई नहीं, हाँ गुटके है, खड़ जाओ। तो सब कुछ बताने और दिखाने से पहले, जो मेरे भाई इस चैनल पर पहली बार आए हैं और नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें दबाकर और बेल आइकन को दबाना मत भूलें, क्योंकि ट्रक से रिलेटेड हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी टाइम टाइम। तो ठीक है दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और आपको बताता हूं कि इस गाड़ी में प्रॉब्लम क्या है। तो दोस्तों, एक तो सबसे बड़ी 14 चक्की में हर गाड़ी में ये बीमारी है कि इसके नीचे जैक नहीं लगते, तो हमने लकड़ी के गुटके लगाए हैं और गाड़ी चढ़ाई है उनके ऊपर और जैक लगवाएंगे। दोस्तों इसकी लाइनमेंट में मतलब 1 साल, ये तो 6 महीने बता रहे हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि 6 महीने से ऊपर लगभग 1 साल के करीब हो गया होगा, आज तक अभी इस गाड़ी की लाइन नहीं हुई। और दूसरी बात, स्पैंडल भी चेक करेंगे, पहले इसकी लाइन वगैरह कर दें उसके बाद स्पैंडल भी चेक करेंगे। खुलने इसके फ्रंट एक्सल थे, लेकिन भाई के पास अभी टाइम नहीं है, माल कुछ बहुत जल्दी का है, मतलब कह रहे हैं वहाँ से खाली करके आएंगे तो उसके बाद गाड़ी आएगी लोड ही, तो दोनों इसका फ्रंट एक्सल करने वाले हैं। बाकी देखते हैं जैसा भी है, आगे सब कुछ चेक करूँगा, आपको दिखाऊँगा भी। और दोस्तों 1 साल से लाइन नहीं हुई है, तो आप समझ सकते हैं कि टायरों की क्या हालत हो रही होगी। और टायरों की हालत आपने देखी है दोस्तों, मतलब अभी ना ये भी नहीं पता टायर अंदर कैसे करने हैं और बाहर इन्होंने अपनी मर्जी से जोन सा जिधर खाया उसका अपोजिट कर दिया। तो सब कुछ करते हैं, आप देखते रहिए दोस्तों वीडियो को। सत श्री अकाल, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू आर चैनल गुरु नानक ट्रक रिपेयरिंग वर्कशॉप। मैं आपका अपना अजीत सिंह। दोस्तों क्या हाल है आप सबके? आई होप बढ़िया ही होगे, मेरे तरह बढ़िया ही रहना। तो दोस्तों ये मैंने जैक लगवा ली है और सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब लाइन करने से पहले जो हमारा फ़र्ज है, जब गाड़ी इतनी दूर से हमारे पास किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आई है तो मतलब हमारे पास फ़र्ज बनता है सारी चीज़ चेक करने का। मैंने रिम घुमाकर चेक करा, उस वाले रिम में थोड़ी बहुत फ़र्क था और इस वाले रिम को भी देखिए आप, टायर किस अंदाज से मतलब एक साइड खा रखी है। अब इनका कहना है कि टायर ये अंदर से खाया है, लेकिन हमारा फ़र्ज बनता है हर चीज़ चेक करने का। तो दोस्तों इसके रिम जो मैंने ये देखा, ये इसमें भी कोई इतना फ़र्क नहीं था, थोड़ा जो सबसे पहले वाला कंडक्टर साइड का अगले वाला था वो थोड़ा सा फ़र्क था, और इस टायर में कोई इतना खास नहीं है, मतलब है थोड़ा बहुत है,
और ये वाला चेक किया मैंने, ये भी बाहर से, मैंने सोचा बाहर से खा रखे हैं ये, लेकिन इन्होंने बताया मैंने साइड पलटी करा रखी है टायरों की। तो मैंने इनको बताया, मैंने कहा जिस टाइम नए टायर लगाओगे आप मुझे लाइन करवा के दोबारा दिखाना। और सबसे ज़्यादा फ़र्क दोस्तों ये कंडक्टर साइड के पिछले वाले व्हील में निकला, इसमें बहुत ज़्यादा बैंड है, अगर आपको दिख रहा होगा तो आप देख सकते हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा लहक है इस वाले रिम में। तो चलो रिम की भी बात है, अब इनके पास टाइम ना होने की वजह से ये कह रहे हैं लाइन कर दो, तो 2-3 दिन बाद आके करवाऊँगा मैं। और अब इनकी मैं मतलब ये भी दिक्कत दूर करूँगा। और ये देखिए दोस्तों स्पैंडलों में जो चाल है ना, स्पैंडलों में चाल है बहुत ज़्यादा। और देखो दोस्तों 2019 मॉडल गाड़ी है और अब तक फ्रंट एक्सल तो हुए ही नहीं, मतलब 4 साल से ऊपर हो चुकी है गाड़ी, और इसमें भी बहुत ज़्यादा चाल है। ये जड़े अंदरों टायर खाँदी है ना, ये कई चीज़ें रीज़न हो गए, एक तो थोड़ी लैन नहीं कराई कदे, तो दूजी गल जो अंदरों टायर खाँदी है ये स्पैंडल ये फ्रंट एक्सल होने दोनों ही। और दोस्तों इधर ड्राइवर साहब मतलब बता रहे हैं अपने मालिक साहब से बात करके भी ये काम होने वाला है, अगर वो परमिशन देंगे तो फिर हम फ्रंट एक्सल कर सकते हैं, मैंने इनको बताया। और भाई ऐसे ऐसे काम होना है तो अभी बात कर रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। तो दोस्तों ये 14 चक्की है और स्पेशल मतलब पंजाब से आए हैं राजपुरे से, और ये रहे इनके ड्राइवर साहब, मालिक साहब से बात हो रही है। फ्रंट एक्सल में बहुत ज़्यादा मतलब इनके चाल भी है, लाइनमेंट इन्होंने 6 महीने से आज तक अभी लाइनमेंट ही नहीं कराई, और पूरी वीडियो मैं आपको अभी दिखाऊंगा, मतलब टायर किस मतलब पोजीशन में इनके गलत लगे हुए थे उस वजह से इनके टायर खा रखे थे। तो इनके फ्रंट एक्सल होंगे दोनों, लेकिन अभी इनके पास टाइम नहीं, गाड़ी है लोड, और इन्हें खाली करने के बाद फिर आएंगे और इनका करेंगे अलाइनमेंट का काम। तो दोस्तों ये देखिए मतलब टायरों की, ये देखिए अंदर की साइड से कैसे इन्होंने टायर दबा रखा है काफ़ी। तो कभी आज तक इन्होंने मतलब गाड़ी आई है भर ली और उसके बाद मतलब कभी अलाइनमेंट ही नहीं कराई, तो 6 महीने से तो ये खुद कह रहे हैं उससे ज़्यादा ही चाहे टाइम हो गया, और ज़्यादा ही हो गया उन्होंने, मतलब टाइम ज़्यादा ही हो गया होगा, अलाइनमेंट कभी हुई नहीं है। तो इसकी करेंगे अलाइनमेंट, होंगे तो इसके फ्रंट एक्सल भी दोस्तों, लेकिन उसमें अभी मतलब इनके पास टाइम नहीं है, गाड़ी इन्होंने खाली करनी है। अब दोस्तों देखिए हमारा तो बताने का फर्ज था, लेकिन काम होने वाला है इसका मतलब ओके एकदम, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि जल्दी है हमें माल खाली करना है, लेकिन देखो मेरे हिसाब से वो चीज़ कंप्लीट नहीं हुई, लेकिन मैंने इनको सब कुछ बता दिया। मैंने कहा देखो काम होने वाला है दोनों, इसके फ्रंट एक्सल, इसके रिम भी चेक होंगे, अलाइनमेंट तो मैं आप कर दूंगा, इन्होंने नए टायर लगाने हैं। मैंने कहा जिस दिन नए टायर लगाओगे उस दिन आप इसके मतलब अलाइनमेंट जरूर कराना एक बार। अब देखते हैं जब ये खाली करके उधर से आएंगे या लोड लेकर आएंगे, जैसा भी होगा तो फ्रंट एक्सल की भी आपको वीडियो मिलेगी। बाकी अब डिपेंड करता है इनके मालिक साहब पर, अभी कब कराते हैं या नहीं कराते वो इनके ऊपर है, हमारा बताने का फर्ज था। और दोस्तों लाइन में इतना ज़्यादा फ़र्क था मैं आपको बता भी नहीं सकता, नीचे की दोनों साइड की और दोनों साइड की मतलब साइडों की लाइन, मतलब नीचे से भी और साइडों की भी, चारों तरफ की मतलब चारों दोनों एक्सलों की चारों साइड की मतलब लाइनों में इतना ज़्यादा फ़र्क था मैं आपको बता नहीं सकता। अब दोस्तों 1 साल से लाइन ना हुई तो आप खुद सोच सकते हो मतलब गाड़ी पे मतलब क्या बीत रही होगी इनके टायरों पे। और टायर भी आपको दिखा दिए मैंने, एक आधा टायर बचा हुआ है, बाकी सारे मतलब कोई अंदर से खा रखा है कोई बाहर से खा रखा है। तो चलो इसकी लाइन करने के बाद फिर करेंगे इसकी साइड वाली लाइन। A few moments later. तो दोस्तों नीचे वाली लाइन हमने कर दी है, जो उसमें दोनों एक्सलों में फ़र्क था, पिछले एक्सल की मैंने बनाई नहीं, चलो वो भी ऐसे ही करनी है जैसे हमने अगली वाली करी है। और दोस्तों साइड वाली लाइन, तो ये कह रहे कि साइड में ऐसे होती है लाइन, मैंने कहा बिल्कुल ऐसे होती है, ये कह रहे कि हमने आज तक नहीं देखी मतलब साइड में ऐसे करते हैं लाइन, मैंने कहा आप चिंता ना करो हम आपको बिल्कुल ओके करके देंगे, ओके रिपोर्ट देंगे। मतलब जो टायर खाने का सिलसिला है देखो, जो खा चुके हैं वो तो आएंगे नहीं वापसी, लेकिन अब मैंने इन्हें कहा जेके के टायर मत लगाना आप, इसमें MRF के टायर लगाना, क्योंकि इसमें मैंने बहुत सारी गाड़ियां देख ली दोस्तों, मतलब टायर खाने की जेके में बहुत ज़्यादा बीमारी है। बाकी आपकी क्या राय है, आपकी गाड़ियों में कौन कौन से टायर लगे हैं आप भी अपनी राय बताना जरूर कमेंट बॉक्स में, क्योंकि मेरे हिसाब से तो MRF के टायर बिल्कुल बढ़िया हैं। और मैंने इनको कहा सादे टायर, अब ये कह रहे जी 30 टन माल चलता है लंबे चलते हैं, तो ठीक है चलो सबका अपना अपना माइंड है अपनी अपनी सोच है, तो कोई दिक्कत नहीं, मैंने कहा आप MRF के लगाओ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिस दिन लगाओगे लाइन दोबारा चेक करवानी है, अगर 10 किलोमीटर भी लाइन में दोबारा फॉल्ट आ गया तो नए टायर भी आपके ख़त्म हो जाएंगे, ये ध्यान रखना। अब ये देखिए दोस्तों लाइन तो मैं कर रहा हूँ, बट ये बाहर का टायर देखिए किस तरह है, मतलब गंजा कर रखा है। और दोस्तों एक चीज़ और है, मतलब रेडियल टायर साइडें थोड़ी बहुत दबाती दबाती, आप नई गाड़ी हो चाहे पुरानी हो, अगर गाड़ी में कोई फॉल्ट भी नहीं है तब भी थोड़ा बहुत साइडें दबती हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा दबा रखे हैं। तो कमी पेशी इन्हें मैंने सब कुछ बता दिया, समझा दिया, और लाइन होने के बाद मैंने इन्हें कहा था, मैंने कहा रिम वगैरह भी चेक करने हैं। अब इनके पास वही है ना 100 बात की एक बात दोस्तों, इनके पास टाइम नहीं है, मतलब अब गाड़ी इतनी दूर से आई हुई है, अब इनके पास टाइम नहीं होने की वजह से हमने कुछ भी इसमें मतलब कर नहीं पाए। का साइड वाली थल्ले वाली जी पिछले बहुत फर्क सी, मूहरे इन्ना नहीं सी, तो साइड वाली जी भी ये फिर कदे हो ही नहीं, वही तो काम था ना, खोल दे बोल्ट।
और दोस्तों लाइन में इतना ज़्यादा साइड में फ़र्क था, हमें दो दो बार चेक करनी पड़ी क्योंकि बिल्कुल जीरो जीरो करके देनी है। और दोस्तों इनको बताएंगे टायर कैसे लगने हैं, वो इनको ड्राइवर साहब को मैं बाद में बता दूंगा। कई चीज़ें ऐसे होती हैं दोस्तों, कुछ अपने हुनर होते हैं, अपने सीक्रेट्स होते हैं। अब आपको मैं वीडियो में तो वो चीज़ बता नहीं सकता, अगर गाड़ी हमारे सामने खड़ी होगी हो तो वो मैं बता सकता हूँ, क्योंकि इस चीज़ का तो मैं वादा करता हूँ कि देखो ऐसे मिस्त्री ना के बराबर ही होंगे, मतलब जो साइड को भी बताते होंगे ये टायर आप अंदर लगाओ या बाहर लगाओ, क्योंकि उसके जो ग्रुप होते हैं ना दोस्तों टायरों के, अगर वो आपने गलत लगा दिए तो वो मतलब दिक्कत हो जाएगी। टायर सही होने की बजाय वो टायर आपके बिल्कुल खा जाएगी गाड़ी। दोस्तों ये चीज़ तो हम ठोक बजा के कह सकते हैं। देखो ये अपने फादर से मैंने ये जो नुक्ता कह लो या मतलब जो सीक्रेट्स होते हैं, देखो ये चीज़ किसी को हम समझा नहीं सकते क्योंकि ये चीज़ हमारे माइंड में फिट है, तो इन्हें भी भाई को वैसे ही बताऊँगा जैसे मुझे पता है। भाई साइड पलटी करा के उधर ला लियो हैं, तो यदि भी साइड पलटी करा के इन हाँ परले ला के नवे ला लियो, जो आओगे तो मैं दस दौ एक दिन पहला, नहीं मैनू भी फोन करके दस दौ फिर उस हिसाब मैं दस दे दूंगा टाइम। ये पंप बदलना फिर बदलिए कि मैं करना पंप चलो चलो यहाँ कर लो। A few moments later. तो दोस्तों टायरों का मैंने इन्हें बता दिया है, एक की साइड पलटी होगी और एक बिना साइड पलटे हो गए ही इसमें लगेगा, मतलब दोनों में अलग अलग पोजीशन से लगेगा। अभी ड्राइवर साहब कह रहे थे कि ये जैक बाद में करवा लूँगा जब फ्रंट एक्सल करवाने आऊँगा, लेकिन फिर इन्होंने मालिक साहब से बात कर रहे हैं और करी भी उनके साथ, और वो कह रहे भी इसमें कितने आएगा। तो दोस्तों इसके जैक अभी करवा के लाए हैं ये 15-20 दिन पहले, तो जैक की लीकेज नहीं रुक रही, तो मैंने कहा आप चिंता ना करो, ये बात कर रहे हैं अपने मालिक साहब से, तो उन्होंने कहा कि आप करवा के आओ। तो दोस्तों जैक मैंने करना स्टार्ट किया और जैक के अंदर सिर्फ दोस्तों सील डालने से कुछ नहीं होगा। आप भाइयों के पास जितने भी जैक हैं आप सील वगैरह डलवाते हो तो सील डालने से कुछ नहीं, अगर ज़्यादा लीकेज है तो आप जैक हमारे पास ला सकते हैं, मतलब हम उसका रोक काटेंगे, जो भी जैक में दिक्कत है वो ख़त्म करेंगे। वो एक अलग बात है कि जैक बिल्कुल ही कंडम है तो देखो फिर तो नया लेने वाला है। और अगर किसी भाई को मतलब अगर जैक से बहुत ज़्यादा परेशानी है, किसी भाई को प्रेशर जैक मतलब चाहिए और वो मतलब गारंटी वाले भी, तो वो भी अपने पास हैं, मतलब हमारे पास कह लो या चलो हम मतलब ये समझ लो कि हमारे पास ही मिल जाएंगे, आप उसकी टेंशन मत लो। मतलब जैक ऐसे मिलेंगे गारंटी के भी हैं और बिना गारंटी के भी हैं, क्योंकि बहुत सारे ड्राइवर भाई हमारे पास आते हैं सर हमें गारंटी वाला चाहिए, और कई भाइयों के पास मतलब ऐसे मतलब होते हैं कि हमारे पास थोड़े पैसे हैं तो लेकर 3,000-3,500 से 6,000 तक के जैक हैं, और जैक ऐसे हैं कि आप छोटे से टायर लीवर से उठा सकते हैं। तो चलो खैर कोई बात नहीं, ये तो भाई अब कह रहे थे कि पंप इसका बदल दो, तो लगभग इसमें दोस्तों ये पंप हमने नया लगाया और मैंने कहा ये लीकेज नहीं होगा, और जैसे ये बहुत ज़्यादा लीकेज हो रहा था तो मैंने कहा इसका पंप चेंज कर देंगे, जैक बिल्कुल तसल्ली के साथ ओके हो जाएगा। और इसमें तसल्ली से हमने देखिए ये हमने पंप लगा दिया नया, तो इसमें दोस्तों जो इनका खर्चा आया खाली जैक जैक में मतलब नया पंप लगाने का वो आया है लेबर समेत 800 रुपये, वो हमने कर दिया बिल्कुल ओके। और दोस्तों अभी सिर्फ 15 दिन पहले ये जैक का पंप में अंदर वाल वगैरह छल्ले वगैरह डलवा के लाए, लेकिन वो चले नहीं और ये पड़ा है आगे, मतलब बिल्कुल लीक कर रहा था, तो मैंने कहा आप चिंता ना करो बिल्कुल नया पंप लगा के देंगे और ओरिजिनल इसमें किट भी डलेगी, तसल्ली के साथ करके दूंगा। तो दोस्तों वैसे मैंने लगभग एक या दो वीडियोस मैंने मेरे ख्याल से अपने YouTube चैनल पर डाल रखी है प्रेशर जैक की, अगर कोई भाई को अगर कोई उसकी भी ज़रूरत है तो अगर किसी भाई को कोई मतलब प्रेशर जैक पे वीडियो बनवानी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, प्रेशर जैक पे भी वीडियो बना देंगे। अगर आपको लगता है कोई दिक्कत परेशानी है तो वो भी कर देंगे, नहीं तो अगर कोई ज़रूरत नहीं है फिर तो हमारी वीडियो गाड़ियों की चल ही रही है, अगर आप भाइयों का प्यार है उसमें। तो दोस्तों ये पंप हमने लगा दिया है, जैक हो गया ओके। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरी आज की वीडियो और मेरी बातें अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन को दबाना मत भूलें, क्योंकि ट्रक से रिलेटेड हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी टाइम टू टाइम। वीडियो में क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, तो मिलते हैं किसी अगली बढ़िया वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, गुड बाय, बाय बाय और बाय बाय। तो दोस्तों कल मैं वीडियो ना डाल पाया, मतलब हमारे मैं बिजी बहुत था, तो कल दशहरा था, तो आपको मतलब बिलेटेड हैप्पी दशहरा सभी भाइयों को, जितने भी अपने गाड़ी से रिलेटेड या कोई और भी अपनी वीडियोस देखते हैं तो आप सभी को हैप्पी दशहरा। चंगा ओके, ए और टायर करा लियो जिम्मे थोनू, ठीक है ना, जो नवे लाओगे तो फिर मेरे को करा लियो, हाँ ठीक है। इन टायरों से आज अंदर बाहर हो गई चार्ज नहीं टायर दी हो।